हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी के सिलेबस के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने बॉटनी का सिलेबस ऑलरेडी देख लिया है, समझ लिया है। तो अगर आपको बॉटनी का भी सिलेबस समझना होगा तो आप मेरे चैनल पर विजिट करिएगा, या फिर आप अगर रूट बैच बाई साइंस वाली अगर आप सर्च करते हैं तो आपको रूट बैच में भी सिलेबस जो है वो मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है, रूट बैच फॉर आवर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। ठीक है, न्यू बैच है आप लोगों के लिए, जहां आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ये क्लासेस आपकी 1 अगस्त से चल रही हैं। तो मैंने आपके बॉटनी का जो फर्स्ट सेमेस्टर है बॉटनी का, ठीक है, उसमें मैंने यूनिट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम जूलॉजी का सिलेबस देखेंगे, देन हम कल से यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो मैं इन द मिडल ऑफ द वीडियो में आपको बता दूंगी, अभी सिलेबस की बात करते हैं। ओके, देखिए ये जो सिलेबस है ये आपके मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैच करेगा। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा तो यही आएगा कि कुछ चीजें एड ऑन हो सकती हैं या हो सकता है कि कुछ चीजें माइनस हो जाए। ठीक है, यही अंतर आता है, वरना सिलेबस पूरा चेंज है। आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सभी को एक ही स्टैंडर्ड सिलेबस दिया गया है जो हर यूनिवर्सिटी को फॉलो करना है। ठीक है, तो सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए ये जो सिलेबस है ये हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए सेम होता है। कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सेम ही है। ओके, देखिए यहाँ पर आपको 8 यूनिट्स प्रोवाइड करनी है। अगर आप पूरा सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो हर सेमेस्टर में आपको 8 8 यूनिट्स प्रोवाइड की गई हैं। आपके 5th और 6th सेमेस्टर में दो दो पेपर देकर के 16 16 यूनिट की बात की गई है। तो 5th सेमेस्टर का मैं बैच चला ही रही हूँ, तो वो भी कम्प्लीट ही हो जाएगा। और 6th मैंने ऑलरेडी कम्प्लीट करके रखा हुआ है और 1st मैं बैच चला रही हूँ। यूनिट 1 क्या है हमारा, तो सबसे पहले तो मैं ओवरऑल बता दूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको साइटोलॉजी पढ़नी है। अब साइटोलॉजी क्या होती है, साइटोलॉजी साइटोलॉजी ये प्रोनाउंसिएशन है, आप कैसे भी बोल सकते हो। तो सेल की जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसे साइटोलॉजी साइटोलॉजी हम ये सब बोलते हैं। ठीक है, सेल की स्टडी, बिकॉज यू ऑल नो कि साइटो जो वर्ड है ये मतलब ही है सेल से। ठीक है, तो सेल की स्टडी जब हम कर रहे हैं तो हम उसे साइटोलॉजी बोलते हैं। एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जहां पर हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से कोशिकाओं की हम पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं हम कोशिकाओं का। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको यूनिट 1 में दिया गया है बहुत सारे, ठीक है, सेल ऑर्गेनिल्स के नेम जानने के लिए। अब यहाँ पर आपको पूरा, क्योंकि साइटोलॉजी का पेपर है ये, तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से सेल ऑर्गेनिल्स जानना है। बट आपके CIE दैट इज कंटिन्यूअस इंटरनल इवेल्युएशन जो है, इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा यहाँ पर जानना है। जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ नेशनल बायोलॉजिस्ट, जिसमें कि जूलॉजिस्ट, क्योंकि आप जूलॉजी का सिलेबस देख रहे हो, तो जितने भी जूलॉजिस्ट है उनका आपको नाम देखना है और उनका क्या क्या अचीवमेंट है, उन्होंने क्या क्या कार्य किया है हमारे जूलॉजी से रिलेटेड, हमारी सेल से रिलेटेड। तो फेमस जितने भी हैं उन सभी के आपको नाम याद कर लेना है। और ये आपके पेपर वगैरह में नहीं पूछेगा, बट या ये आपका मेजर रोल प्ले कर सकता है वाइवा में, तो इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। और इसका नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगी, डोंट वरी। जैसे बॉटनी में हमें जो इंडियन एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी थी ना, एंशियंट हो गया, हेरिटेज हो गया, वैदिक हो गया, तो ये वाला भी CIE के ही अकॉर्डिंग था, तो मैंने वो पढ़ाया है। वैसे मैं ये भी पढ़ाऊंगी, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, इसी यूनिट 1 में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड बाईलेयर, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड बाईलेयर से बना होता है ना। तो यहाँ पर आपको प्रोटीन और लिपिड्स के बारे में भी देखना है। ओके, तो ये चीज आपको काफी आसानी से समझ में आया कि हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है 1st यूनिट में, और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जहाँ आपको प्रोटीन टारगेटिंग, शॉर्टिंग, इंडोसाइटोसिस, एग्जोसाइटोसिस, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। ओके, फिर हमारा यूनिट 2 जो है उसमें आपको अगेन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कौन सा सेल ऑर्गेनिन भाई, तो साइटोस्केलेटन, जिसमें आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इनके बारे में आपको देखना है। फिर सेकेंड है हमारा सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ना है और उसमें हो रहे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ना है, जो कि आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पेरोक्सीजोम्स के बारे में पढ़ना है, राइजोजोम्स के बारे में पढ़ना है, पेरोक्सीजोम्स एंड राइजोजोम्स के स्ट्रक्चर एंड केवल से केवल फंक्शन। देखिए ये जो आपका जूलॉजी का पेपर है ना, इतना इजी है ना, इतना इजी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ।
ठीक है, मुझे लगता है कि ये पूरे सेमेस्टर में सबसे इजी सेमेस्टर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही हलवा क्लियर हो जाएगा हर एक टॉपिक अगर आप रेगुलर क्लास आकर के 5 बजे यहाँ पर साइंस वाली चैनल के जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पर अगर आके आप क्लास अटेंड करते हो तो बिलीव मी आपको पता ही नहीं चलेगा आपका सिलेबस कब खत्म हो गया। ओके, थर्ड यूनिट है हमारी न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, जहां नाम ही आपको बता रहा है कि आपको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। ओके, अब न्यूक्लियस में क्या पढ़ना है, तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में पढ़िए, वो भी यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस पढ़ना है क्योंकि आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, तो आप क्या ही पढ़ोगे उसमें। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, न्यूक्लियर मैम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, तो सब कुछ ऑलरेडी हमारे यूकैरियोट्स में पाया जा रहा है, दैट्स व्हाई हमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, लेकिन यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। सेकेंड हमारे केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कॉम्पोजिशन, हमारे डीएनए एंड आरएनए जो कि एक न्यूक्लिक एसिड होते हैं, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है ना, डीएनए एंड आरएनए, तो इनके केमिकल स्ट्रक्चर और बेस कॉम्पोजिशन मतलब क्या कि किसमें यूरेसिल पाया जा रहा है, किसमें थायमीन पाया जा रहा है, किसमें एडेनिन पाया जा रहा है, किसमें गुआनिन पाया जा रहा है, ये वाला जो बेस पेयरिंग है वो समझना है। फिर आपको डीएनए की सुपर कॉइलिंग के बारे में पढ़ना है, क्रोमेटिन के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखना है, और आपको ये बताना है कि कितने टाइप के डीएनए एंड आरएनए होते हैं। आरएनए आपने सुना होगा, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ये सब सुना है ना, इसी के बारे में पढ़ना है। फिर हमारा फोर्थ यूनिट है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग, यहाँ पर आपको सेल डिवीजन में माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में पढ़ना है, क्या क्या होता है, प्लॉइडी लेवल क्या होती है, मियोसिस में क्या होता है, 2n से n हो जाता है, माइटोसिस में क्या होता है, n से n ही रहता है। क्या बोला मैंने कि अगर डाइप्लॉइड सेल है और अगर उसमें मियोसिस हो जाए तो वो हैप्लॉइड पे बदल जाएगा, लेकिन अगर एक हैप्लॉइड सेल है और वो मैं उसमें माइटोसिस करा दूं तो उसका नंबर, वो प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा हैप्लॉइड। ओके, तो ये सब मैं ट्रिक वगैरह के साथ आपको बताऊंगी, डिफरेंसेस बताऊंगी, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। फिर सेकेंड है आपको इसी यूनिट में सेल साइकिल के बारे में पढ़ना है, रेगुलेशन के बारे में पढ़ना है, कुछ नए नए टर्म जैसे कि एपोप्टोसिस के बारे में पढ़ना है, सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है, इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग क्या होती है, सेल सरफेस रिसेप्टर क्या होता है, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जैक एंड स्टेट पाथवे क्या होता है, बहुत मजा आएगा मैं लिटरली बता रही हूँ। सेल सिग्नलिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं एकदम दावा करती हूँ कि मैं इसे आपको रटा दूंगी, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। फिफ्थ है हमारा मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है, जहाँ आपको बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी देखना है, जिसमें आपको मेंडल्स लॉ, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस, फिर इनकम्प्लीट एंड कम्प्लीट, फिर डोमिनेंस, फिर आपको पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी, उसके बाद जीन सेक्स डिटर्मिन सिस्टम, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर है, एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ओके, फिर आपको कुछ सेक्स लिंक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डोजेज कॉम्पेंसेशंस पढ़ने हैं, तो ये सब मैं पढ़ा दूंगी। देन हमारी जो सिक्स यूनिट है इसमें आपको पढ़नी है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म जीन्स एंड एनवायरमेंट, जहां पर आपको मेंडलिज्म का जो एक्सटेंशन हुआ तो मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, जीन इंटरेक्शन क्या होता है, फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होती है, जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट क्या होता है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या होती है, एंटिसिपेशन क्या होता है, फिर इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एंड एनवायरमेंट, इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑन जीन्स एक्सप्रेशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ कंटिन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब चीजें आपको देखनी है। देन हमारा जो सेवेंथ यूनिट है इसमें आपको ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस देखना है, जहाँ आपको ह्यूमन कैरियोटाइप पढ़ना है, क्रोमोसोमल एनोमलीज पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल एब्रीवेशन पढ़ने हैं, एंड पेडिग्री एनालिसिस करना है। देन आवर लास्ट यूनिट ऑफ दिस सेमेस्टर इज इम्यून सिस्टम एंड इट्स कॉम्पोनेंट, इम्यूनोलॉजी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है, काफी बड़ा पोर्शन है, इम्यूनोलॉजी से ये टॉपिक्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इम्यूनोलॉजी में आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़नी है इम्यूनोलॉजी की, इननेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस क्या होते हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन के, IgG हो गया, IgE हो गया, ये सब क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो की जो डिफरेंट क्लासेस है उनके बारे में देखना है, हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ना है, इसी में आपको इम्यून सिस्टम में इननेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, क्लोनल सेलेक्शन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन एंड टी सेल रिसेप्टर जीन्स के बारे में पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ IgG जीन के बारे में पढ़ना है, उनकी लोकेशन के बारे में पढ़ना है,
फिर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डायवर्सिटी फिर आपको पढ़ना है, लास्ट HLA कॉम्प्लेक्स का ऑर्गेनाइजेशन, क्लास 1 एंड क्लास 2 HLA मॉलिक्यूल एंड HLA जीन का एक्सप्रेशन। सो दिस इज योर यूनिट 8, एंड ये काफी बड़ा यूनिट है, इम्यूनोग्लोब्यूल, ग्लोब्यूलिन तो मतलब इसका पार्ट है, इम्यूनोलॉजी, ये काफी बड़ी यूनिट है, इसमें मुझे थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ऊपर की सारी यूनिट्स छोटी छोटी यूनिट्स है, 3-4 वीडियोस में हर एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो लेट्स मीट इन आवर फर्स्ट क्लास टुमारो एट 5 PM ऑन दिस यूट्यूब चैनल। ओके, तो कल मिलते हैं 5 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर ऑन कर लीजिएगा। एक इन्फॉर्मेशन मुझे ये भी देनी थी कि बॉटनी में हमने जो यूनिट 1 कंप्लीट किया है उसमें जो लैब इक्विपमेंट्स के ऑटोक्लेव वाला पार्ट था वो मैंने काफी अच्छे से आपको पढ़ाया है, हलवा क्लियर किया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। डिट्टो है, आपको एक क्वेश्चन ऑटोक्लेव से मिलेगा। सेकेंड, उसमें जो अदर कॉमन इक्विपमेंट्स, लैब इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि लैमिनार एयर फ्लो, कैलोरीमेट्री, स्पेक्ट्रोमेट्री, ओवन वगैरह, इन सब की मैंने एक PDF आपको प्रोवाइड किया है उसी ऑटोक्लेव की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जरूर से जरूर उसे चेक कर लीजिएगा। और यूनिट 1 मैंने ऑलरेडी खत्म कर दिया है, अब हम जियोलॉजी की यूनिट 1 खत्म करेंगे, देन उसके बाद हम फिर से बॉटनी के सेकेंड यूनिट पे चलेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।